when we look at the prices of the stocks when we decide the strike price of an option there are few things that are to be considered because option ki jo prices hain wo kafi factors ke depend on hain aur un sare factors mein ek factor hai that is called the volatility volatility ka matlab hota hai fluctuations in the price of that particular एसेट जिसके ऊपर हम बिजनेस करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं नाउ एम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एक कॉन्सेप्ट है दैट इज यूज टू असेस द प्राइस ऑफ अ सर्टन ऑप्शन या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की आपने जब प्राइस लेनी है या ऑप्शंस के लिए जब आपने स्ट्राइक प्राइस को मुतायन करना है तो उसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आप एम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को अकाउंट फॉर करें अब एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी होती क्या है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी इज द रियल टाइम एस्टिमेशन ऑफ एन एसेट्स प्राइस एज इट ट्रेड्स इन द मार्केट सो जब हम देखते हैं कि कोई भी एसेट मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं तो अगर आप रियल टाइम एस्टिमेशन करते हैं एसेट की मार्केट के अंदर किस टाइप किस तरह से उसकी ट्रेडिंग हो रही है उसकी प्राइसिस में क्या इफेक्ट आ रहा है इस पर्टिकुलर फिनोमिन को हम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट हेल्प्स आस इन नोइंग द इम्प्लाइड वोलिटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट नाउ एम्प्लाइड वॉलेटिलिटी टेंथ टू इनक्रीज वेन ऑप्शंस मार्किट्स एक्सपीरियंस आर डाउन ट्रेंड जब ऑप्शन मार्केट में ओवरऑल डिक्लाइन दिखने को मिलता है तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर जाती है और जब ऑप्शन मार्किट अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो फिर जो वॉलीटिलिटी है उसमें कमी हो जाती है सो अभी दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पैटर्न विच वी ऑब्जर्व इन द ऑप्शन मार्केट लार्जर एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि ऑप्शन कीमतें ज्यादा होंगी अब राइट सो लार्जर वॉलेटिलिटी मीन्स हायर प्राइसेसिटी मीन्स दैट द प्राइसेस ऑफ द ऑप्शन फॉर्म ऑफ वॉलेटिलिटी अभी जैसे मैंने की बात की तो एम्प्लॉइड वॉलेटिलिटी के अलावा देर इज अनादर टाइप ऑफ वॉलेटिलिटी विच इज नोन एज दिस्टोरिक वॉलेटिलिटी राइट हिस्टोरिक वॉलेटिलिटी को हम स्टैटिस्टिकल वॉलेटिलिटी भी कहते हैं बिकॉज़ ये वो पैमाना है वॉलेटिलिटी का ये वो टाइप है वॉलेटिलिटी की जिससे हम मायर करते जिसको हम जो कि हमें बताती है द स्पीड एट विच अंडरलाइंग एसेट प्राइसेस चेंज ओवर आ गिवन टाइम पीरियड तो आप देखते हैं कि पिछले छः माह में पिछले एक माह में पिछले पंद्रह दिन में पिछले एक हफ्ते के अंदर या पिछले दो सालों में किस स्पीड के साथ किस रेट के साथ कीमत ऑफ अ सर्टन एसेट इंक्रीज और डिक्रीज हुई है वो पर्टिकुलर चीज़ आपको जो वैलेटिलिटी का मायर बताती है दैट इज नोन एज द हिस्टोरिक वॉलेटिलिटी या उसके चूंकि हम स्टेटिस्टिक्स के टूल्स लगा के उस पर्टिकुलर चीज़ को मायर करते हैं लिहाजा इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज और कॉल्ड द स्टेटिसटिकल वॉलेटिलिटी सो स्टेटिस्टिकल Volatility is the second type. Is ke implied volatility. Hai. These are the two types of volatilities which we assess when we have to understand the dynamics of the call and the put option.